नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, आपने सेफ फोल्डर के बारे में सुना होगा। आपके सैमसंग डिवाइसेस में सेफ फोल्डर हालांकि सभी एंड्रॉइड डिवाइस में मिल जाता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कोई भी अगर इश्यू होता है तो जो कस्टमर सर्विस होते हैं या कोई भी जो टेक्नीशियन होता है वो कहता है कि पहले सेफ फोल्डर में ट्राई करिए, सेफ फोल्डर में अपने फोन को रिस्टार्ट कीजिए। दोस्तों, सेफ फोल्डर होता क्या है और सेफ फोल्डर से आप किस तरह से अपनी इश्यूज को सोल्व कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि सेफ फोल्डर होता क्या है। दोस्तों, सेफ फोल्डर एक ऐसा मोड है, ठीक है, जिसमें आप जो अपने थर्ड पार्टी एप्स है उन्हें डिसेबल कर सकते हो और केवल जो सिस्टम एप्स होते हैं ना, जो सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होके आते हैं पहले जब आप फोन परचेस करते हो, बस वही ऐप आपको मिल जाएंगे देखने। लेकिन जो सारे एप्स, थर्ड पार्टी एप्स जो आपने डाउनलोड किए वो आपको देखने नहीं मिलेंगे, वो आप उन्हें यहाँ पे सेफ मोड में यूज नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं सेफ मोड। और ये जरूरी क्यों है, कई बार होता है कि किसी थर्ड पार्टी ऐप की वजह से, मान लो आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किया है और उसको डाउनलोड करने के बाद से आपके फोन में रिस्टार्टिंग इशू चल रही है, क्रैश हो रहा है आपका फोन या फ्रीजिंग हो रहा है या फिर आपका फोन स्लो हो चुका है, बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही है, कनेक्टिविटी इशू आ रही है, तो ऐसी जो इश्यूज है ना थर्ड पार्टी ऐप की वजह से भी आ सकती है। तो अगर आपको ये चेक करना हुआ कि क्या ये वाकई जो ये इशू हो रही है ये थर्ड पार्टी ऐप की वजह से हो रही है या सिस्टम का कोई फॉल्ट है, तो आपको ये चेक करने के लिए सेफ फोल्डर का यूज करना पड़ता है। अब बताता हूं मैं कैसे। मान लो आपके फोन में ये है नॉर्मल मोड, ठीक है। अब नॉर्मल मोड में मैंने मान लो एक रिसेंटली एक ऐप को डाउनलोड किया था, ठीक है। अब कौन सा ऐप डाउनलोड किया ये पता नहीं, लेकिन रिसेंटली कुछ 4-5 मैंने ऐप्स को डाउनलोड किया। अब उस ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद मेरा फोन स्लो हो चुका है, लैग कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फोन को करना है सेफ मोड में ऑन। तो आपको सेफ मोड में किस तरह से रिस्टार्ट करना है अपने फोन को, तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको पावर बटन पे टैप करना है, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे पावर ऑफ पे लॉन्ग टैप करना है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब जो फोन होगा रिस्टार्ट होगा सेफ मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी डाउनलोड किया होगा वो सभी यहाँ पे टेम्पररीली डिसेबल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस आपको टैप करना है, अब आपका फोन यहाँ पे सेफ मोड में ऑन हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आपका फोन सेफ मोड में ऑन होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा नीचे में सेफ मोड लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि आप सेफ मोड में हो, तो नीचे में आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेफ मोड। तो यहाँ पे फोन को हम होने देते हैं लोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारे विजेट्स और सारे जो थर्ड पार्टी एप्स है वो यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं, जैसे सैमसंग नोट्स, व्हाट्सएप, गाना ऐप, अमेजोन, फिर यहाँ पे सैमसंग शॉप, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, सैमसंग म्यूजिक। दोस्तों, लेकिन जो भी सिस्टम एप्स है जो प्री इंस्टॉल होके आते हैं फोन के साथ, आप उन्हें यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब मान लो मैंने सेफ फोल्डर को ऑन कर दिया, ठीक है। अब आपको अपने फोन को यूज करना है सेफ फोल्डर में, ठीक है। नॉर्मल मोड में आपका फोन स्लो चल रहा था, क्रैश हो रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या आपका फोन सेफ मोड में क्रैश हो रहा है। अगर आपका फोन सेफ मोड में क्रैश नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जो इश्यू है वो किसी थर्ड पार्टी ऐप की वजह से हो रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये जान सकते हो सेफ मोड से कि क्या जो इश्यू आपके फोन में हो रही है वो किसी थर्ड पार्टी ऐप की वजह से हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका फोन सेफ मोड में ठीक से चल रहा है और नॉर्मल मोड में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी ऐप की वजह से ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सभी थर्ड पार्टी ऐप को डिसेबल किया गया है, तो आप अच्छे से आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा सेफ मोड में जो फोन होता है हमेशा एयरप्लेन मोड में ऑन होता है, लेकिन आप उसे ऑफ कर सकते हो और यहाँ पे मोबाइल डेटा या फिर जो वाईफाई है उसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, हमें यह पता चल गया है कि जो इश्यू है किसी थर्ड पार्टी ऐप की वजह से हो रही है, लेकिन कौन से थर्ड पार्टी ऐप की वजह से, स्पेसिफिक कौन सा ऐप है जो कल्प्रिट है जिसकी वजह से यहाँ पे इश्यू हो रही है, ये हमें नहीं पता चलता। सेफ फोल्डर सिर्फ इतना बताता है कि जो इश्यू है थर्ड पार्टी ऐप की वजह से हो रही है, लेकिन कौन सा ऐप है वो नहीं पता चलता हमें, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिसेंटली आपने डाउनलोड किए थे ऐप जिसके बाद से इश्यू चालू हुई है क्रैशिंग की, फोन स्लो होने की, लैगिंग की, बैटरी ड्रेनिंग की, तो आपको उन एप्स को अनइंस्टॉल करना है, डिलीट करना है, इसके बाद आपके फोन को चेक करना है, ठीक है। तो आपको उन सभी एप्स को डिलीट करना पड़ेगा जिन एप्स को आपने डाउनलोड किया है और उसके बाद से यहाँ पे इश्यूज चालू हुई आपके फोन में। दोस्तों, मान लो आपको यहाँ पे अपना काम हो चुका है सेफ फोल्डर में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेफ फोल्डर को ऑफ करना पड़ेगा। तो ऑफ आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ पे प्रेस करके पावर बटन पे रिस्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी आप रिस्टार्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप देखोगे ना टैप है टू टर्न ऑफ सेफ मोड, आप यहाँ पे भी टैप करोगे ना और आपको करना है टर्न ऑफ, तो आपका फोन यहाँ पे रिस्टार्ट होगा नॉर्मल मोड में। और हमने यहाँ पे सेफ मोड को ऑफ कर दिया है, तो आप इस तरीके से सेफ मोड को ऑफ कर सकते हो, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आपका फोन सेफ मोड में अच्छा चल रहा है लेकिन नॉर्मल मोड में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब थर्ड पार्टी ऐप का इशू है, तो आप थर्ड पार्टी ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिए जो आपने रिसेंटली डाउनलोड किए थे। अब मान लो नॉर्मल मोड में और सेफ मोड में फोन अच्छे से नहीं चल रहा है, दोनों में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम का फॉल्ट है। तो आपको यहाँ पे चार चीजें करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने फोन में वाइप कैश पार्टीशन करना है, ठीक है, कैश पार्टीशन को वाइप करना है रिकवरी मोड में जाके। अब वह कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, आप ES टेक्नो रिकवरी मोड को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा दूसरा स्टेप, इतना करने पर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आगे क्या करना है, आपको आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको यहां पर जाना है एप्स में, और यहां पर आपको थ्री डॉट पे टैप करना है राइट साइड में, और यहां पर मिलेगा आपको ऑप्शन रिसेट ऐप प्रेफरेंसेस, ठीक है, आपको यहां पर करना है रिसेट। ये करने पर आपकी इश्यू सोल्व हो जाएगी। लेकिन मान लो इतना करने पर भी आपके फोन में इश्यू सोल्व नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है जनरल मैनेजमेंट में, और यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन रिसेट का, आपको उस पर टैप करना है, आपको करना है रिसेट ऑल सेटिंग्स, ठीक है। ये हुई तीसरी चीज। दोस्तों इन तीनों स्टेप्स को करने के बाद आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, कोई भी फाइल आपके फोन में से डिलीट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तीन स्टेप्स करने के बाद भी आपके फोन के जो इश्यू है सोल्व नहीं हुई है तो फिर आपको करना पड़ेगा चौथा और आखिरी स्टेप्स जो आप कर सकते हो, वो होगा फैक्ट्री डेटा रिसेट। और इसे करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, जनरल मैनेजमेंट में, और यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन रिसेट का, और यहां पे होगा फैक्ट्री डेटा रिसेट। लेकिन इसे करने से पहले आपको अपने फोन का डेटा बैकअप करना है, बैकअप ले लेना है। आप पीसी, लैपटॉप या फिर यूएसबी ड्राइव में बैकअप ले सकते हो और आप अपने फोन को यहां पे फैक्ट्री डेटा रिसेट कर सकते हो। इसे करने से आपके फोन में जो भी डेटा होगा पूरी तरह से वाइप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये चार स्टेप्स आपको करने हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके फोन में। दोस्तों आप इस तरीके से इन चार स्टेप्स को करके अपने फोन में जो भी इश्यूज होती है, छोटी मोटी इश्यूज, उन्हें आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको किसी को भी पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, अगर आप कोई भी इश्यू फेस कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक एक स्टेप करके देखिए, आपकी इश्यू जरूर सोल्व हो जाएगी। दोस्तों ये था सेफ फोल्डर के बारे में, किस तरह से आप सेफ फोल्डर का यूज करके जो इश्यूज है उन्हें सोल्व कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये था इस वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।